राजकुमार शुक्ल राजकुमार शुक्ल इन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि बिहार में बहुत समस्या है खास करके चंपारण में कहां पे अब महात्मा गांधी को उन्होंने क्या किया चंपारण आने का न्यौता दिया तो महात्मा गांधी कहेंगे कि ना, ना वो अगले साल आएंगे अभी नहीं आएंगे कब आएंगे अगले साल आएंगे अभी अभी हमारा कोर्स बाकी है तो महात्मा गांधी पहले सोच समझ के विचार कर लिए कि आखिर क्या है तो पता चला वहां का कलेक्टर धमकी दिया है कि नील की खेती करो और अगर इसके विरोध आंदोलन करोगे ना तो मुकदमा लाद देंगे अब नील की खेती जबरदस्ती बोई जाती थी बीस कट्ठा जमीन पर तीन कट्ठा जमीन पर तीन कट्ठा पे क्या बोला था इसलिए इसे तीन कठिया प्रणाली कहा गया क्या कहा गया तीन तो तीन कटिया प्रणाली क्या कहा गया बोला गया तो महात्मा गांधी ने इसकी सारी लीगलिटीज की जांच कर लिया कि छोटा सा मैटर है कि जब आपको नील अच्छा नील के साथ क्या था कि जर्मनी में ना आर्टिफिशियल नील की खेती हो गई थी किसकी खेती नहीं तो नील का पौधा होता है उसको पीस के रंग बनाया जाता है बड़ी झमेला का, का काम है वो भी अच्छा चढ़ता नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल नील तो फटाक से चटकार चढ़ जाता है तो अंग्रेज़ जबरदस्ती बोआ रहे थे लेकिन खरीदते उतना मन, मन से नहीं थे तो खेत भी बर्बाद हो जाता है जहाँ नील की खेती कर दीजिएगा ना वहाँ तीन साल तक दूसरा फसल नहीं होगा तो अंग्रेजों भारतीयों को डबल लॉस एक खेत बर्बाद हो रहा है दूसरा पैसों नहीं देता था सब ऑने पौने पैसा दे देगा पता चला कि पाँच सौ रुपया लागत लगाए तो सौ रुपया दे देगा तो उसका खेत भी बर्बाद हो रहा है और पैसा भी बर्बाद हो रहा है अब महात्मा गांधी जब सारी लीगलिटी जांच कर लिए कि आखिर डीएम क्या एक्शन लेगा जब सब पता चल गया तो उन्होंने कहा कि चलो हम तो कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे और किसी गाइड को ले लेते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को ले लिए कहे क्या चल रहे हैं क्या चंपारण चल रहे हैं छपरा जिला में है हमें है के हैं उस समय छपरा बहुत बड़ा हुआ करता था चंपारण तो जीरा दे के थे कौन राजेंद्र प्रसाद कह करे हमारे बगले का जिला है चलिए तो राजेंद्र प्रसाद भी चल दिए और अनुग्रह नारायण सिन्हा चल दिए कौन चले गए अनुग्रह नारायण सिन्हा अनुग्रह नारायण सिन्हा समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत तो अनुग्रह नारायण सिन्हा और महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद साथ चल दिए अब महात्मा गांधी ने कहा अनुग्रह नारायण सिन्हा को एक काम कीजिए आप जाइए गांव वालों को कहिए कि आंदोलन के लिए बुलाया जाए गांव वाला डरे अभी नहीं किया कहा हम नहीं आ जाएंगे यहाँ बवाल हो जाएगा डीएम केस मुकदमा कर देगा गांव का आदमी केस मुकदमा से बहुत ही डरता है <laughs> अब कोई नहीं जा रहा था महात्मा गांधी अकेले बैठ गए दस पंद्रह आदमी आया आ, गोर दबा के महात्मा गांधी के बगल में बैठा था, था हवाई चप्पल उतार के अगर पुलिस आएगी ना तो चप्पल हाथ में लेंगे अब भाग जाएंगे यहाँ पर तो महात्मा गांधी थे तो डीएम लेटर भेजा तो महात्मा गांधी ने लिख दिया कि हम इस चीज के विरोध के लिए आए हैं आप हमारा विरोध के लिए ज्ञापन किए इंग्लैंड के कानून में इस इस जगह पर इस धारा में लिखा है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और आप हमें सुरक्षा दीजिएगा डीएम हड़क गया कि रे भाई ये आदमी कहां से आया यहां से नीचे लिख दिया बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड डीएम का हालत खराब हो हो गया गया दो दिन तक हो गया। एक को पुलिस नहीं पुलिस नहीं आई बल्कि बाहर से सुरक्षा में थी गांधी जी हल्ला करा दिया मारने नहीं आया सुरक्षा में आया अब बिहार का आदमी रुकने वाला है ए, सुरक्षा करियो हो चंपारण सत्याग्रह पहुंच गया गांव का आदमी पूरा यहाँ पे अब भीड़ लगा दिया महात्मा गांधी के पीछे अंग्रेजों के सामने अंग्रे... इतनी भयानक भीड़ लगी अब महात्मा गांधी ने कहा कि तुम लाठी चार्ज कैसे कर सकते हो महात्मा गांधी सबसे आगे चले गए और इंग्लैंड उन लोगों को पता चल गया पुलिस वालों की भैया बैरिस्टर है पुलिस वालों से पूछेगा वकील से नहीं भिड़ते हैं <laughs> पुलिस वालों वकील से नहीं भिड़ते रीजन क्या है पुलिस को ड्यूटी कभी यहाँ लगेगी कभी वहाँ लगेगी और वकील को वहीं रहना है और जज पहले वकील का ही सुनता है ऐसा ना का ले आ के ना कोर्ट कचहरी में वजह बहुत बेजती हो जाएगा देखिए पुलिस हो गए या डी एम जज के आगे कुछ बोल पाते हैं बिना मतलब का बात सुनवाएगा अब पुलिस डरे कुछ नहीं कह रही थी अब क्या करें यहाँ पर अब पुलिस का एकदम हालत खराब अब पूरे लोगों से महात्मा गांधी ने कहा कि यहाँ डट के रहना है तब तक जब तक ये कानून डीएम वापस न ले ले धीरे से कहे डीएम अब महात्मा गांधी तो इज्जत से बोले डीएम चंपारण का आदमी अरे नहीं कह सिपाही से कह दे बोल दिया बड़का बाबू को कुछ न चल तो देखो वकील साहब आए हैं तो महात्मा गांधी पे हमला भी हो गया था वहां पर उस समय बतक मिया नाम के व्यक्ति ने उनका क्या किया था जान बचा था तो उन्होंने बाद में भीड़ भाड़ में हो जाता है ये सब चीज़ों को महात्मा गांधी के साथ बाद में डीएम को झुकना पड़ा और महात्मा गांधी का के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन भारत में सफल हो गया और अठारह की क्रांति के बाद पहली बार अंग्रेज झुके थे सब तो ऐसा लगा था पत्थर पे दूब जमल है हल्ला हो गया ना कि गांधी नहीं कोई फरिश्ता है और भारत में तो कहानी बनाने के लिए एक से एक लोग हैं ये गो बात बोलिएगा तो दस गो बात सुनाएगा अब महात्मा गांधी को कोई जादूगर कह रहा है कोई मंगल बाबा कह रहा है कोई एक से एक कहानी कह रहा है अब महात्मा गांधी के नाम के आगे ताँता लग गया न ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दिया कहा कि आदमी नहीं है महात्मा है समझ में आ गया कि नहीं आ गया जादूगर कहा गया इन्हें मंगल बाबा कहा गया इन्हें आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हार मांस के शरीर वाला व्यक्ति भी इस धरती पर आया था और इतना बेहतरीन काम करके चला गया आइंस्टीन कई बार खत लिखा महात्मा गांधी से मिलने के लिए महात्मा गांधी का हमारा ई बराबर एम सी से कुछ नहीं करना है ऐसा <laughs> नहीं कहते उन्होंने कहा कि अभी हम आंदोलन में बिजी हैं